हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं महाकाल लोक कॉरिडोर और पार्ट वन में मैंने आपको महाकालेश्वर भगवान जी के आपके दर्शन कराए। उसके बाद मैंने हरसिद्धि मंदिर के, संतोषी माता मंदिर के, सभी दूर के मैंने आपको दर्शन कराए और अब हम महाकाल लोक का पूरा दृश्य दिखाएंगे पार्ट टू में और इसमें पूरा हम कवर कर देंगे। तो गाइस चलते हैं आगे और आप फर्स्ट वीडियो को भी प्यार दीजिए और इसको भी फुल देखिए, आपको पूरा टोटल उज्जैन के दर्शन मिलेंगे। तो चलते हैं गाइस आगे की ओर। यहाँ पर एंट्री करते से ही हमें मिली गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति, मेरे पीछे देख सकते हो आप। और इधर हमारे पीछे है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। क्योंकि आपको पता है कि इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को कराया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों। और इसके अंदर ऐसे 109 स्तंभ हैं पूरे कॉरिडोर के अंदर। और भी आगे चल के मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। इस प्रतिमा में हुआ है वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन, जो कि पूरी प्रतिमा इन लोगों ने बना रखी है सेम वैसी ही। शंभु, शंभु मादेवा, शंभु। ये है यहाँ 109 स्तंभ और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इधर का नज़ारा देखो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। आप ज़रूर आइएगा, मैं आपको सलाह दूंगी कि यहाँ आना चाहिए। और यहाँ शिव द्वारा यम का संहार किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाई है, यहाँ लिखा हुआ भी है। और यहाँ है काल भैरव। जो कि मुझे सबसे अच्छा यही लगा। और नाइट में अगर मैं आती तो आहा, कितना मतलब अच्छा यहाँ का व्यू होगा, मैं देख के चंग रह रही हूँ। तो गाइस आप भी आइए। सो गाइस हम आ चुके हैं बाहर और ये मेरे पीछे नंदी द्वार है। हम आ चुके हैं बाहर और महाकाल लोग बहुत अच्छा बनाया है। और जो लोग देखने नहीं आए हैं वो एक बार ज़रूर आना उज्जैन, काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे। और शाम इवनिंग में तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि लाइटिंग वगैरह चालू हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।